बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टोटल रिकॉल। इस कहानी की शुरुआत होती है 21st सेंचुरी से, जहां पर बताया जाता है कि केमिकल वॉर की वजह से पूरी धरती तबाह हो चुकी है। धरती पर रहने लायक अब सिर्फ दो ही जगह हैं, एक है यूएफबी जो कि ब्रिटेन में है और दूसरी है द कॉलोनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। कॉलोनी में गरीब लोग रहते हैं, इसीलिए हर रोज ये काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। हालांकि ये दोनों जगह एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पर द फॉल नाम का एक एलिवेटर बनाया गया है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि धरती के कोर के अंदर से सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है और इसे चलाने के लिए ग्रेविटी की मदद का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए बहुत कम समय से ऑस्ट्रेलिया से लोग ब्रिटेन पहुंच जाते हैं, यानी कि यूएफबी। यही हमें डगलस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ रोबोट की और पुलिस की टीम से भाग रहा होता है। डगलस को तो पकड़ लिया जाता है लेकिन वो लड़की भाग जाती है और अगले पल डगलस की आंख खुल जाती है। दरअसल वो एक सपना देख रहा होता है। डगलस ने जिस लड़की को सपने में देखा होता है वो उस लड़की को नहीं जानता, वो द कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहता है। डगलस एक वर्कर है जो यूएफबी में काम करने के लिए जाता है और उसकी पत्नी एक एजेंट है। और अब जब डगलस काम पर जा रहा होता है तो हमें उसके कोलिक को दिखाया जाता है जिसका नाम हैरी होता है। और जब ये काम पर जा रहे होते हैं तभी ये एक कंपनी की एड देखते हैं जिसका नाम होता है द रिकॉल। और ये ऐसी कंपनी होती है जो किसी के भी दिमाग में अच्छी यादों को रिप्लांट कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई अपनी वेकेशंस की यादों को अपने दिमाग में डालना चाहता है या किसी भी तरह की याद को दिमाग में डालना चाहता है जो उसे अच्छा एहसास करवाए। और ये यादें ऐसी होती है जिसमें इंसान को लगता है कि उसने सच में उन पलों को जिया है। डगलस अपने दोस्त हैरी से कहता है कि मैं भी रिकॉल जाना चाहता हूं, लेकिन डगलस साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि हमें अपने दिमाग से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और अब जब डगलस काम पर जाता है तो वहां पर उसके साथ काम करने वाला एक और वर्कर डगलस से कहता है कि मैं 3 बार रिकॉल गया हूं और मुझे बहुत मजा आया, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। डगलस ये सुनने के बाद तय करता है कि वो भी रिकॉल जाएगा और काम खत्म होने के बाद वो रिकॉल के ऑफिस जाता है जहां पर उसे टेक्नीशियन मिलता है। वो डगलस से कहता है कि तुम किसी भी कैरेक्टर को अपना कैरेक्टर बना सकते हो, जैसे तुम सपनों की दुनिया में एक साइंटिस्ट बन सकते हो, अमीर आदमी बन सकते हो या एजेंट बन सकते हो। डगलस तय करता है कि वो एक एजेंट बनेगा और इसके बाद उसे एक मशीन पर बिठाया जाता है और इंजेक्शन लगाया जाता है और तभी मशीन में कुछ खराबी आ जाती है जिससे टेक्नीशियन को समझ में आ जाता है कि डगलस असली जिंदगी में भी एक सीक्रेट एजेंट है। इससे पहले कि वो डगलस को कुछ बताता यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो टेक्नीशियन और उसकी पूरी टीम को मार देती है। इसके बाद डगलस को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन तभी अचानक से डगलस को कुछ हो जाता है और वो पुलिस को जो कि यूएफबी कंपनी के लिए काम करती है वो उन सब को एक एक करके मार देता है और यहाँ से सीधा अपने घर जाता है जहाँ पर वो अपनी पत्नी लॉरी को सब कुछ बताता है। उसकी पत्नी सुनने के बाद कि वो रिकॉल गया था वो डगलस के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन डगलस के अंदर अचानक से अजीब सी शक्तियाँ आ गई है, इसीलिए वो लॉरी को पकड़कर गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे पूछता है कि बताओ कि तुम कौन हो। जिसके बाद लॉरी उसे बताती है कि मैं यूएफबी की सीक्रेट एजेंट हूँ और 6 हफ्तों से तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी की तरह हूँ, मुझे यहाँ पर तुम पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। दरअसल डगलस को अब तक यही याद होता है कि लॉरी और वो 7 सालों से पति पत्नी है, क्योंकि रिकॉल कंपनी के जरिए उसके दिमाग में 7 सालों की यादों को रिप्लांट कर दिया गया था। और अब पूरा सच जानने के बाद वो लॉरी को बेहोश करके यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, वो कौन है और क्या है। तभी उसके हाथ के डिवाइस पर एक वीडियो कॉल आता है जो उसके कॉलिग का होता है। वो उसे बताता है कि तुमने कुछ दिनों पहले मुझे एक सेफ का एड्रेस बताने के लिए कहा था और वो उसे सेफ का एड्रेस बता देता है, जिसके बाद डगलस वहां पर पहुंच जाता है। और जब वो सेफ खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक ब्रीफकेस होता है जिसमें एक रिकॉर्डेड वीडियो होता है जो कुछ दिन पहले डगलस ने खुद ही रिकॉर्ड किया था। और इसमें डगलस ने रिकॉर्ड किया होता है कि तुम्हारी मेमोरी को वाइप आउट कर दिया जाएगा और तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए यूएफबी जाना होगा, जहां पर एक घर में तुम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। बैग में कुछ पैसे और एक दूसरे नाम का पासपोर्ट भी होता है जो यूएफबी के एड्रेस पर होता है, यानी कि ब्रिटेन के एड्रेस पर। और अब डगलस ब्रिटेन में यानी कि यूएफबी में पहुंच जाता है। दरअसल उसने अपना पूरा भेष बदला होता है, पर इससे पहले कि वो उस जगह से निकलता पुलिस उसे देख लेती है। वो समझ जाती है कि ये डगलस है, दरअसल ये सब के सब डगलस को ढूंढ रहे हैं। पर इससे पहले कि ये डगलस को पकड़ते एक लड़की फ्लाइंग कार पर आती है जिसका नाम मलीना है और डगलस को अपने साथ लेकर इस जगह से निकल जाती है। मलीना को देखकर डगलस पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि मलीना वही लड़की है जो बार बार उसके सपनों में आती है। अब मलीना उसे उसी घर पर ले जाती है जिसका एड्रेस उसके
पास होता है। यहाँ पर उसे एक रिकॉर्डेड वीडियो और मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसका नाम कार्ल है और वो एक सीक्रेट एजेंट है, यानी कि वो यूएफबी के लिए काम करता है। यूएफबी एक ऐसी कंपनी है जो पूरे देश को हर एक इंसान को रोजगार देती है, और इसका जो चांसलर होता है उसके खिलाफ यूएफबी ब्रिटेन में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, यानी कि वो उसके खिलाफ विद्रोह कर चुके हैं। और इनका जो लीडर होता है उसका नाम मिथाइस है, और कार्ल का यानी कि डगलस का काम ये होता है कि वो उन सब विद्रोहियों को और मिथाइस को खत्म कर दे। और यहाँ पर डगलस को अपना असली नाम पहचान पता चल चुकी है, उसे पता चल चुका है कि वो चांसलर के लिए काम करता है, पर साथ ही उसे इस बात का भी एहसास हो चुका है कि चांसलर एक गलत इंसान है, क्योंकि उसने खुद भी यूएफबी में एक वर्कर की तरह काम किया है, और वो जानता है कि चांसलर यहाँ पर जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ गलत है। मलीना उसे बताती है कि तुम्हारे ऊपर और शहर में जितने भी अटैक्स हुए हैं वो सब के सब चांसलर ने करवाए हैं, और चांसलर इन सब का आरोप उन विद्रोहियों के ऊपर लगा देता है जो उसके खिलाफ हैं। और जब चांसलर को पता चला कि तुम भी उसके खिलाफ हो चुके हो तो उसने तुम्हारी मेमोरीज को पूरी तरह से मिटाकर उसमें नई मेमोरीज डाल दी जिसमें तुम कई सालों से कॉलोनी में रहने वाले एक वर्कर थे। चांसलर रोबोट्स की पूरी आर्मी बना रहा है ताकि वो द कॉलोनी पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर सके। और कार्ल को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि उसके दिमाग में एक ऐसा कोड है जिससे रोबोट्स की पूरी आर्मी को तबाह किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो अपनी पुरानी यादों को भूल चुका है, इसीलिए उसे चांसलर के खिलाफ जो लोग हैं, जो रिबेलियस हैं, उनके लीडर मिथाइस से मिलना होगा क्योंकि वो उसके दिमाग से उस कोड को निकाल सकता है। यहाँ पर मलीना उसे बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, और जब हम भाग रहे थे तो हम दोनों के हाथ पर गोली लगी थी। उन दोनों के हाथ पर एक ही गोली का निशान होता है, और ये सपने में बार बार वो देखा करता था, जिससे कार्ल को समझ में आ जाता है कि बार बार जो सपना देख रहा था दरअसल वो सपना नहीं था बल्कि वो सब कुछ उसके साथ घट चुका था। अब इससे पहले कि दोनों यहाँ से निकलते, यहाँ पर कार्ल के साथ काम करने वाला एक आदमी जिसका नाम हैरी है, जो कि एक वर्कर है जिसने उसे रिकॉल जाने से मना किया था, वो यहाँ पर आ जाता है और कार्ल से कहता है कि तुम अब भी एक सपने में हो, मशीन में खराबी आ चुकी है इसीलिए तुम अपने सपने में उलझ चुके हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। और जब वो बाहर देखता है तो सच में वहां पर लॉरी होती है। कार्ल को हैरी की बातों पर यकीन हो जाता है कि वो सपनों की जिंदगी जी रहा है, असल में वो अब भी डगलस है जो कि एक वर्कर है। हैरी कार्ल से कहता है कि अगर तुम्हें सपने से बाहर निकलना है तो तुम्हें मलीना को गोली मारनी होगी, और अब वो मलीना की तरफ गन तान देता है, लेकिन तभी मलीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं जिससे उसे समझ में आ जाता है कि हैरी झूठ बोल रहा है और वो कोई सपने में नहीं है बल्कि ये हकीकत है। इसीलिए वो मलीना को ना मारकर हैरी को मारकर वहां से मलीना के साथ भाग जाता है। लोरी पुलिस के साथ उसका पीछा भी करती है लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, और ट्रेन पकड़कर ये दोनों के दोनों उस जगह जाते हैं जहां पर सारे विद्रोही रहते हैं। यहां पर इनकी मुलाकात मिथाइस से होती है जो कि कार्ल के दिमाग से उस कोड को निकाल सकता है जिस कोड से रोबोट्स की पूरी आर्मी को खत्म किया जा सकता है। और अब मैथियस, जो कि मलीना का पिता भी होता है, वो कार्ल को एक मशीन के ऊपर बिठाता है जिससे उसकी पुरानी यादों को दोबारा से वापस लाया जा सकता है, उसके दिमाग से कोड निकाला जा सकता है। लेकिन जब वो इस पूरे प्रोसीजर को पूरा करता है तो मैथियस को पता चलता है कि ये सब का सब झूठ था, कार्ल के दिमाग में ऐसा कोई भी कोड नहीं है, और कार्ल को यहां तक इसलिए भेजा गया था ताकि मिथियस को पकड़ा जा सके। दरअसल मिथियस के अड्डे के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में आज तक किसी को नहीं पता था, और चांसलर मिथियस को मारना चाहता था ताकि पूरा का पूरा विद्रोह खत्म किया जा सके। इससे पहले कि ये यहां से निकलते, यहां पर चांसलर लोरी और पूरी की पूरी टीम आ जाती है जिसमें रोबोट्स भी होते हैं। वो बहुत सारे लोगों को यहां पर मार देते हैं। मिथियस को मारने से पहले चांसलर बताता है कि जो पूरा का पूरा प्लान था ये कार्ल का ही प्लान था, उसी ने कहा था कि उसकी यादों को मिटा दिया जाए और ऐसी बात फैला दी जाए कि उसके दिमाग में एक कोड है, इस कोड से रोबोट्स की पूरी आर्मी को खत्म किया जा सकता है ताकि तुम किसी तरह से उस तक पहुंचो और हम तुम्हें पकड़ लें। और अब कार्ल का पूरा प्लान कामयाब हो चुका है, लेकिन कार्ल को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता, उसकी नजरों में चांसलर गलत होता है। मिथियस को मार दिया जाता है और कार्ल और मलीना को पकड़ लिया जाता है। चांसलर कहता है कि कार्ल की यादों को वापस ले आओ, यानी कि उसे पहले की तरह मेरा खास आदमी, मेरा एजेंट बना दिया जाए और उसके दिमाग में वर्कर की जितनी भी यादें हैं उन सब को मिटा दी जाए। इन यादों में मलीना भी होती है जो कार्ल से प्यार करती है, कार्ल भी उससे प्यार करता है, लेकिन कार्ल नहीं चाहता कि उसकी यादों को मिटाया जाए। चांसलर कार्ल को इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है, पर इससे पहले कि उसकी यादों को मिटाकर उसकी पुरानी यादों को लाया जाता, कार्ल
का एक दोस्त उसे यहाँ से आज़ाद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें चांसलर को दिखाया जाता है जो अपनी रोबोटिक और दूसरी आर्मी को लेकर द फॉल से यानी कि एलिवेटर से कॉलोनी की तरफ निकल पड़ता है ताकि कॉलोनी पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले ले। लेकिन अब यहां पर काल भी पहुंच जाता है और वो एलिवेटर के चारों तरफ टाइम बॉम्ब फिट कर देता है और वो जानता है कि मलीना भी इसी एलिवेटर के अंदर है, इसीलिए सबसे पहले वो मलीना को आजाद करना चाहता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर मलीना है, वहां पर कई लोगों को मारकर मलीना को आजाद कर देता है। लेकिन अब यहां पर चांसलर के लोग पहुंच जाते हैं जो एक बार फिर से काल को पकड़ लेते हैं, लेकिन मलीना यहां से भागने में कामयाब हो जाती है और अब ये एलिवेटर कॉलोनी तक पहुंच चुका है जहां पर चांसलर अपनी रोबोट्स की पूरी आर्मी को आदेश देता है कि कॉलोनी के ऊपर हमला कर दिया जाए। लेकिन अब काल चांसलर के ऊपर हमला कर देता है, इन दोनों के बीच में फाइट होती है। चांसलर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है इसीलिए वो पूरी तरह से उसे डोमिनेट कर देता है इससे पहले कि वो काल को मारता। काल ने एलिवेटर के चारों तरफ जो टाइम बॉम्ब लगाए थे वो ब्लास्ट हो जाते हैं जिससे चांसलर का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर कार्ल उसे मार देता है और अब यहाँ पर ब्लास्ट हो चुके हैं, इसीलिए एलिवेटर नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन कार्ल और मलीना कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ चांसलर की पूरी रोबोटिक टीम खत्म हो जाती है। लेकिन कार्ल बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने मलीना होती है। मलीना को देखकर वो बहुत खुश होता है पर तभी वो देखता है कि मलीना के हाथ में गोली का निशान नहीं है, जिससे वो समझ जाता है कि ये मलीना नहीं है बल्कि उसका होलोग्राफिक एक इमेज है, इसीलिए वो उसे गोली मार देता है और ये लॉरी होती है। लॉरी को मारने के बाद जब वो बाहर देखता है तो वहां पर असली मलीना होती है। मलीना जो उससे बहुत प्यार करती है उसे देखकर उसे अपने गले से लगा लेती है क्योंकि काल की वजह से आज कॉलोनी पूरी तरह से बच गई। यहाँ के लोग जो यूएफबी ब्रिटेन की गुलामी किया करते थे अब वो उस गुलामी से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। और तभी काल अपने हाथ में देखता है जहां पर रिकॉल का टैटू था पर अब वो टैटू वहां पर नहीं होता, जिससे काल कंफ्यूज हो जाता है कि ये सपना है या रियलिटी। पर चाहे ये जो भी हो, काल ने इस जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है, वो मलीना के साथ खुश है और वो इसी दुनिया में रहना चाहता है। इस कहानी के अंत को इसी तरह से बनाया गया है जिसमे ऑडियंस को अपने हिसाब से इसके अंत को एक्सेप्ट करना होगा, वो उसे एक सपना या हकीकत जो भी चाहे समझ सकती है। इसी के साथ फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।